दोस्तों, आज की इस हेल्थ वीडियो में हम आपको चूना खाने के फायदे बताएंगे। फ्रेंड्स, सफेद रंग का वह चूना जिसका उपयोग पान में किया जाता है, इसे यूं ही अमृत नहीं कहा जाता। इस एक चूने से 70 बीमारियों का इलाज आज भी संभव है। यह कैल्शियम का सबसे बड़ा स्रोत है। अगर इसका उपयोग सही मात्रा व सही तरीके से किया जाए तो यह कठिन से कठिन बीमारियों को दूर करने में आज भी सक्षम है। यहाँ तक कि भोपाल जैसे कई शहरों में जहाँ पानी में कैल्शियम की कमी है, वहाँ चूने के द्वारा इसकी पूर्ति की जाती है। आयुर्वेद में भी इसके गुणों की अनेक चर्चा मिलती है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। चूने के अद्भुत फायदे बताने से पहले हम आपको यह बता देते हैं कि इसे कितनी मात्रा में और कैसे लेना है। गेहूं के एक दाने के बराबर ही प्रतिदिन चूने का सेवन करना चाहिए। इससे ज्यादा चूने का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप इसे खाली पेट सेवन करते हैं तो वह अति उत्तम है। आप इसे गन्ने के रस में, संतरे के रस में, नहीं तो सबसे उत्तम अनार के रस में मिलाकर सेवन कर सकते हैं। किसी भी जूस की उपलब्धि ना हो तो आप इसे दही, लस्सी, दाल, दूध, फल या सबसे आसान पानी में मिलाकर भी पी सकते हैं। और अगर पान खाना आपका शौक है तो सिर्फ चूना लगा पान ही खाएं, क्योंकि चूना अमृत के समान है जो आपको रोग मुक्त करता है, वही तंबाकू जहर और कत्था कैंसर पैदा करता है। तो चलिए, हमने आपको यह तो बता दिया है कि चूने का सेवन कैसे करें, अब इसके फायदे भी जान लेते हैं। पीलिया, गेहूं के दाने के समान चूने की मात्रा को एक गिलास गन्ने के रस में मिलाकर नियमित रूप से सेवन करने से पीलिया ठीक हो जाता है। इसी उपाय से नपुंसकता और गर्भधारण ना कर पाने की समस्या भी दूर होती है। पर इस परिस्थिति में आपको यह उपाय 8 से 10 महीनों तक लगातार करना पड़ेगा। पीरियड्स की समस्या, पीरियड्स में महिलाओं को काफी शारीरिक पीड़ा से गुजरना पड़ता है। चूने के सेवन से पीरियड्स और मोनोपॉज के समय होने वाली शारीरिक परेशानियों में आराम मिलता है। गेहूं के दाने के बराबर चूना छाछ या लस्सी में मिलाकर जब तक पीरियड्स हैं सेवन करें, इससे आराम मिलता है। गर्भवती महिला को कैल्शियम की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, इसलिए गर्भवती महिलाओं को 9 माह तक एक कप अनार के जूस में चूना मिलाकर पीना चाहिए। इससे उनकी कैल्शियम की पूर्ति तो होगी ही, साथ ही साथ बच्चे के जन्म के समय मां को प्रसव पीड़ा कम होगी और उसकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। साथ ही उसका शिशु हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त होगा। बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी और शरीर में कोई कमजोरी भी नहीं होगी। बच्चे का IQ भी बहुत अच्छा होगा। सिर्फ 9 माह तक गेहूं के दाने के बराबर चूना सेवन करने से शिशु के स्वास्थ्य में अद्भुत फायदे होंगे। दिमागी कमजोरी, जिन बच्चों में उम्र के हिसाब से बुद्धि का विकास नहीं होता या माइंड बराबर काम नहीं करता, या ऐसे मंदबुद्धि बच्चे जिनमें स्वयं का विकास ना के बराबर है, चूना ऐसे बच्चों के लिए रामबाण ही नहीं बल्कि अमृत के समान काम करता है। ऐसे बच्चों को रोज चूना खिलाएं, अच्छे परिणाम मिलते हैं। दूध, दही, दाल या पानी में गेहूं के एक दाने के बराबर चूना मिलाकर खाने से लंबाई तो बढ़ती ही है, साथ ही पढ़ाई में कड़ी मेहनत करने की शक्ति भी मिलती है। इससे बुद्धि का विकास होता है और स्मरण शक्ति भी बढ़ती है। छाले, मुंह में छाले की समस्या में चूने का पानी पीने से समस्या तुरंत दूर होती है। साथ ही अगर आपको मुंह में ठंडा गरम या झंझनाहट की समस्या है तो आप चूने का सेवन करें, आपकी यह समस्या भी ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, यह थे चूना खाने के अद्भुत फायदे। तो आप भी आज से ही चूने का सेवन शुरू करें, पर उचित मात्रा में। साथ ही हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि चूने का सेवन बच्चों से लेकर वृद्ध तक हर कोई कर सकता है, परंतु जिन व्यक्तियों को पथरी यानी कि स्टोन की समस्या है, वो चूना किसी भी रूप में सेवन ना करें। ऐसे रोगियों के लिए यह नुकसानदायक हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए
और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।